प्रदेश के नगरीय प्रशासन कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह छतरपुर पहुंचे। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय रसोई में अंडों की क्रेट निकलने पर मुस्कुरा दिए। इसके अलावा कोई टीका टिप्पणी नहीं की। वहीं विधायक ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। वहीं बोले कि देश के इतिहास में पहली बार कोई राज्य सरकार 20 से 30 साल के युवाओं को जिनकी पारिवारिक आय 2 लाख से कम है उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है। वहीं पन्ना जिले के SBI के बैंक मैनेजर के बयान जिसमें मोदी को जिताओ तब होगा कर्जा माफ पर बोले कि वीडियो दीजिए कार्रवाई होगी। जिले में कांग्रेस की गुटबाजी पर कहा कि हम सब एक हैं और हमेशा ही एक रखेंगे, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। साथ ही कहा कि कोई भी अधिकारी हितग्राही से पैसे मांगता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए कार्रवाई होगी। इसी महीने इसकी चैन चालू हो जाएगी, उसमें ये किस प्रकार से हमको करना चाहिए, कैसे हमको पूरा डेटा मिलेगा, वो सबसे बड़ा चैलेंज इसमें रहेगा। तो उसकी भी तैयारी आप सब गांव में करवाइए अभी से। बिल्कुल 20-30 साल से जब ये बहुत जरूरी था। देखिए आज छतरपुर जिले के अंतर्गत सभी नगर निकायों की बैठक ली गई जिसमें विशेषकर जो विकास कार्य संचालित हैं, कौन कौन से काम सही प्रकार से नहीं हो रहे हैं, कहाँ कहाँ समस्या आ रही है और विशेषकर जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उनकी क्या क्या मांगे थी उसकी हमने समीक्षा की। आवास योजना में छतरपुर में ये शिकायत आई है कि जो सूची थी उसके आधार पर आवास नहीं दिए गए हैं, उसमें सही प्रकार से आवंटन नहीं हुआ है। इस पर हमने सख्त निर्देश दिए हैं CMO को भी और GD को भी। हमें उसका पत्र मिला है, उसका ज्ञापन हमें मिला है और हमने वो आवेदन CMO को और कलेक्टर को भी सौंप दिया है और इस पर हमने सूची पूरी मंगवाई है कि अभी वर्तमान में जो अधिकृत सूची है नगर पालिका की आवास की उसमें किन किन के नाम है, किस ऑर्डर में है, किस संख्या में है और हर नाम के साथ उस घर की स्थिति क्या है। तो ये हमने पूरी सूची मंगवाई है और इस पर कार्रवाई भी कराई। मोदी जी को जिताओ तब आपका लोन माफ होगा तो क्या कहना है इसमें आपका? देखिए वो ड्यूटी के दौरान कह रहा है। देखिए अब ये सब ऐसी जो बातें सामने आ रही है सबको इस बात का एहसास होना चाहिए जैसा परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ था उसी प्रकार से परिवर्तन पूरे देश में। SBI का बैंक मैनेजर कह रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? उसकी रिकॉर्डिंग दिखाई मुझे, उसमें जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन आप उसकी रिकॉर्डिंग दिखाई उस पर कार्रवाई कराएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर उनको ऐसा लगता है कि उससे पैसे मांग रहा है तो ऐसे हितग्राहियों से मेरा आग्रह है क्योंकि रिकॉर्डिंग करना मुझे नहीं। बताया गया है कि यहाँ पर जो चिकित्सक हैं उनकी संख्या बहुत कम है। इसमें विधायक जी ने भी मांग की है स्वास्थ्य मंत्री जी से कि यहाँ पर अतिरिक्त चिकित्सक की व्यवस्था की जाए, अतिरिक्त डॉक्टर्स की का प्रावधान हो ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं वापस बेहतर हो। असल में पिछले 15 साल में भाजपा की सरकार ने कोई भी ध्यान इस पर नहीं दिया। अब सरकार कांग्रेस पार्टी की है, हमारे मुख्यमंत्री जी इस विषय में बहुत गंभीर हैं और नए डॉक्टर की नियुक्ति बहुत जल्द करवाएंगे। विशेषकर नियम का उल्लंघन है और इस पर भी हमने कहा है कलेक्टर साहब को भी और CMO को भी कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो और नहीं तो हम ऊपर से और बड़ी कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस में गुटबाजी दिखाई दे रही है कि होर्डिंग पोस्टर लगे हैं उसमें कई। बिल्कुल नहीं, आप देखिए सब साथ खड़े हैं, स्थानीय विधायकों की कुछ पोस्टर नहीं लगाए गए, नहीं सबके फोटोज हैं, सब साथ खड़े हैं, हम सब एक हैं और जिंदगी भर एक रहेंगे। सर जैसा कि छतरपुर जिले में 6 विधानसभा है, एक विधायक भाजपा के हैं वो नहीं आए, यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? छतरपुर जिले में 6 विधानसभा हैं, एक विधायक भाजपा के हैं वो नहीं आए हैं तो क्या उनके ऊपर है? उनकी मर्जी है, उनसे पूछिए।